इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर सम ज्वेलरी पीसेज जो ट्रेंडी हो, बहुत ही अच्छे से इंडियन और वेस्टर्न दोनों के साथ जाए, बहुत अच्छी क्वालिटी के हों, अफोर्डेबल हो एंड येट मस्ट हैव हों आपकी ज्वेलरी कलेक्शन में, देन दिस वीडियो इज राइट फॉर यू. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे आप सब लोग, उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे. आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरे लेटेस्ट ज्वेलरी फाइंड्स. मैंने इंडिया में ये सारी ज्वेलरी नहीं खरीदी है एंड आई फील लाइक दीज ऑल दीज पीसेज दे आर वेरी वेरी गुड क्वालिटी, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस हैं इनके और ये बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंडी काइंड ऑफ ज्वेलरी है. एंड आई हैव चोजन बहुत अच्छी वैरायटी की ज्वेलरी बिकॉज ये एक मस्ट हैव होनी चाहिए हर एक लड़की की ज्वेलरी कलेक्शन में, बिकॉज आप इसको बहुत सारी ओकेजन्स में पहन सकते हो, बहुत सारी ड्रेसेस के साथ स्टाइल कर सकते हो. सो हैविंग सेड दैट, इफ यू वांट टू नो मैंने कौन कौन से ज्वेलरी पीसेस चूज करे हैं इस वीडियो के लिए, देन स्टे ट्यून्ड. सबसे पहले जो मेरा ज्वेलरी पीस है दैट इज दिस पेयर ऑफ हुप्स जो मैंने अभी पहने हुए हैं. ये बहुत ही अच्छे यू नो हुप्स हैं, इनके ऊपर ये पर्ल्स की डिटेलिंग है एंड आई फील लाइक अ पेयर ऑफ हुप कोई भी साइज का, बी इट ऐसे बड़े हुप चाहे छोटे वाले हुप, हर लड़की के कलेक्शन में होने ही होने चाहिए. हूप्स एक ऐसी ज्वेलरी पीस है जो बहुत ही एवरग्रीन है, यू नो इट विल नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल. आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंट वैरायटी के हूप्स आजकल मार्केट में मिल जाते हैं. सो आप इसको बहुत अच्छे से, जैसे आज मैंने वेस्टर्न वेयर के साथ स्टाइल किया है, बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं, आप इसी तरह से आप इसको इंडियन वेयर के साथ भी स्टाइल कर सकते हो. एंड व्हेन आई से द प्राइस फॉर दिस, इट वाज लाइक आप बिलीव भी नहीं करोगे. एंड प्राइस के हिसाब से जो इसकी क्वालिटी है इज अमेजिंग. ये प्राइजेस और मैंने कहाँ से लिए ये सब मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी सो दैट इट्स इजियर फॉर यू. बट हैविंग सेड दैट, इस ज्वेलरी कलेक्शन में कोई भी ऐसा पीस नहीं है जो लाइक बहुत एक्सपेंसिव हो, दे आर वेरी गुड क्वालिटी एंड वेरी वेरी अफोर्डेबल टू. सेकेंड पीस ऑफ ज्वेलरी जिसके साथ मैं लेटली बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, आपने मेरी बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो में ये ऑलरेडी देखा होगा, दैट इज अ पेयर ऑफ दीज ब्रेसलेट्स. मुझे ये बहुत अच्छे लगे, दिस रिमाइंडेड मी ऑफ माई चाइल्डहुड, क्योंकि मुझे याद है मैं बचपन में ऐसी बहुत सारी बैंगल्स पहना करती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. सो ये बहुत ही आसानी से ना ब्रेसलेट मैंने लिए थे, आपने इस तरह से इसको पहनना है. व्हाई आई एम सेइंग दिस कि मैंने एक बार शॉर्ट्स इसके पोस्ट करे थे एंड समवन आस्क्ड मी कि इसको पहनना कैसे है, तो इस तरह से आप इसे पहन सकते हो. मैंने ऑलरेडी आज मैंने मेरी सरपेंटी वाली वॉच डाली हुई है, सो इट्स लिटिल हार्ड फॉर मी टू fit all in, but look how pretty it looks. Let me take this thing out. So look how pretty it looks and बहुत ही अच्छी क्वालिटी है. You know, again, Indian हो, Western हो, Indo-Western हो, किसी के साथ भी style कर सकते हो. And I have seen so many fashion bloggers wearing this kind of you know bracelet set lately. It looks very very trendy और मुझे बहुत पसंद है. एंड द बेस्ट पार्ट इज इसको अगर आपको सिल्वर में नहीं पसंद है तो आपको सेम क्वालिटी के गोल्ड में भी मिल सकते हैं. सो इट्स टोटली अप टू यू, इफ यू आर गोल्ड गर्ली गो फॉर गोल्ड वन, इफ यू आर सिल्वर वन गो फॉर सिल्वर. अगर आप मेरे जैसे हो जिसको बहुत अनडिसाइसिव है जो, तो दोनों भी ले सकते हो बिकॉज द क्वालिटी इज नाइस एंड द प्राइस इज वेरी अफोर्डेबल. नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेसलेट, सो मैंने नेक्स्ट ब्रेसलेट लिया है वो है दिस. इट इज सच अ ब्यूटिफुल पीस, इसके ऊपर ये पर्ल का वर्क हुआ हुआ है. इट्स मोर ऑफ लाइक जो इंडियन ट्रेडिशनल लुक्स के साथ जाए उसके लिए. एंड आई हैव सीन दिस यू नो काइंड ऑफ ब्रेसलेट ट्रेंडिंग अ लॉट, बहुत सारे लोग इनको इसको पहनना पसंद करते हैं. एंड ये इस यू नो इट्स अ काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर बैंगल्स, आजकल बैंगल्स उतनी ट्रेंड में नहीं है एंड उसकी जगह पे इसको पहनना इज अ वेरी गुड ऑप्शन एंड इट्स वेरी ट्रेंडी टू. एंड यू नो वॉट, इसको आप टू इन वन पीस समझ लें, क्योंकि इसको एज अ ब्रेसलेट तो आप यूज ही कर सकते हो, बट इसको इस तरह से आप एज अ चोकर भी यूज कर सकते हो. इफ यू अटैच यू नो अपनी कोई भी चेन इसके पीछे ऐसे अटैच कर लें, सो यू कैन यूज इट एज अ चोकर टू. एंड द क्वालिटी अगेन, अगर मैं आपको पास से दिखाऊं, लुक हाउ प्रिटी इट इज. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पीस. अब मैंने ये व्हाइट वाला लिया है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी थे, स्टोन में आपको ग्रीन रेड मरून बहुत सारे मिल रहे थे एंड आई टोटली टोटली लव इट. मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज इट्स टू इन वन पीस एंड इट्स वेरी यूनिक पीस टू. लेटली आई एम ऑब्सेस्ड विद वेयरिंग ब्रेसलेट्स एंड नेक्स्ट ब्रेसलेट इज ऑल्सो वेरी क्यूट. ये मैंने अपनी एवरी डे वेयर के लिए लिया है. लुक एट द डिटेलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके ऊपर ना थोड़ी बीड्स हैं, उसके ऊपर थोड़ा मैश का वर्क हुआ हुआ है एंड आई फील लाइक इट्स वेरी क्यूट पीस. अगेन
अगेन यू कैन स्टाइल इट यू नो हाउ एवर यू वॉन्ट टू, बट मुझे ये थोड़ा एवरीडे बेसिस के लिए चाहिए था. मैं इसको बहुत ऑफन यू नो आई वेयर इट टू माई वर्क टू, बिकॉज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है, एंड लुक्स वेरी क्यूट, गोज विद वॉट एवर यू वेयर बिकॉज ऑफ दिस मल्टी बीट्स. सो आई रियली रियली लाइक इट. अगेन दिस वॉज फ्रॉम मीशो, एंड इसका जो आप अगर आप प्राइस सुनोगे ना, यू आर गोइंग टू बी ब्लोन, बिकॉज आई एम श्योर इट वॉज अंडर 100 रुपीज और समथिंग, बट उसके कंपेरेटिवली द क्वालिटी इज रियली रियली नाइस. एंड यू नो विद दिस ज्वेलरी देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि अगर एक ब्रेसलेट है तो आपको उसको ब्रेसलेट की तरह ही पहनना है, क्योंकि ब्रेसलेट्स के नीचे इस तरह की आपको चेन मिल जाती है हर ब्रेसलेट में. सो यू कैन यू नो एड योर ओन चेन, थोड़ी लेंथ इंक्रीज करके आप इसको एज अ चोकर और एज अ चेन भी वेयर कर सकते हो, बिकॉज देर इज नेवर अ हार्ड एंड फास्ट रूल की जो चीज जिस चीज के लिए बनी हुई है उसको वैसे यूज करो. यू कैन ऑलवेज यूज योर ओन इमेजिनेशन एंड यू नो क्रिएट योर ओन यूनिक पीसेस. सो मुझे इसलिए भी अच्छा लगा, यू नो आई कैन ऑलवेज वेयर इट एज अ चेन ऑल्सो विद माई डिफरेंट ड्रेसेस. बट या दिस इज माई नेक्स्ट परचेज एंड आई टोटली टोटली लव इट. नेक्स्ट ज्वेलरी पीस विच आई हैव फॉर यू गाइज, इट वॉज एक्चुअली अ गिफ्ट फ्रॉम माई सिस्टर इन लॉ. She gave me this beautiful temple kind of jewelry and I totally totally love it because इस तरह की ज्वेलरी खास करके कुर्तों के साथ बहुत अच्छी लगती है, और इंडिया में इस टाइम पे समर चल रही है, तो यू नो इन समर इफ यू स्टाइल दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी विद अ गुड कुर्ता, प्रिंटेड कुर्ता या प्लेन कुर्ता, इट लुक्स वेरी वेरी नाइस. सो ये इसकी डिटेलिंग है एंड ये इस तरह का यू नो इसके साथ ये इयररिंग्स मिलते हैं. आई डोंट नो वेयर शी गॉट दिस फ्रॉम, बट आई रियली लाइक इट एंड आई थॉट ऑफ शोइंग दिस. ये मेरी कलेक्शन में नया एडिशन है एंड आई विल बी स्टाइलिंग दिस वेरी सून. नेक्स्ट पीस मेरा आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा, दैट इज अ पेयर ऑफ दिस मिरर वर्क ऑक्सीडाइज झुमकी. आई एम लाइक व्हेन आई सॉ दिस आई फेल इन लव बिकॉज लुक हाउ प्रिटी इट इज. इसकी अगर आप डिटेलिंग देखो, हाउ प्रिटी इट इज, आई जस्ट टोटली टोटली लव इट. और बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई, आप देख सकते हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में पहनी हुई है, बहुत ही प्यारी लगती है. अगर आपने ये झुमकी पहन के वो सिल्वर ब्रेसलेट पहना हो और उसके साथ ये रिंग, स्टेटमेंट रिंग जो मैंने नेक्स्ट परचेज है मेरी वो पहनी हो, आपकी लुक ऑल टुगेदर बहुत ही कंप्लीट लगती है. एंड ये मैंने रिंग ली थी नेक्स्ट टू गो विद माई ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, बिकॉज आई फेल लाइक कि इयर रिंग्स थे, मेरे पास ब्रेसलेट भी था एंड मुझे रिंग में कुछ चाहिए था, यू नो जस्ट टू कम्प्लीट माई होल लुक. सो मैंने ये रिंग ली. सो मैं अपने डे टू डे वेयर में बहुत ज़्यादा चंकी पीसेस पहनना पसंद नहीं करती हूँ. आई हैव दीज थ्री स्टेपल रिंग्स, माई मम गिव मी दिस, आई बॉट दिस रिंग, आई गॉट वेन आई गॉट मैरिड आई वॉज गिफ्टेड दिस रिंग, इट्स लाइक 22 कैरेट गोल्ड रिंग. सो आई एम ऑलवेज वेयरिंग दीज थ्री रिंग्स. ये मेरी यू नो एवरी डे टू डे वेयर के लिए ये तीन रिंग्स हैं, बट वेन एवर आई एम ड्रेसिंग अप और यू नो आई एम गोइंग आउट आई लाइक टू एड फ्यू स्टेटमेंट पीसेज, तो उसके लिए मैंने ये रिंग ली थी एंड मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगी. आई बॉट दिस फ्रॉम मिंत्रा, मैं इसके प्राइस वगैरह सारा इंसर्ट कर दूंगी. लुक एट द डिटेलिंग ऑफ द डिज़ाइन, बहुत ही अच्छी डिटेलिंग है एंड अगेन बहुत अच्छी क्वालिटी है एंड प्राइस भी इसका बहुत अफोर्डेबल था, ऐसा नहीं था कि बहुत एक्सपेंसिव है. बट आई फील लाइक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हर लड़की की कलेक्शन में होनी ही होनी चाहिए, बिकॉज कुर्तों के साथ, साड़ियों के साथ बहुत बार, कई बार इवन सूट्स के साथ बहुत अच्छी लगती है. इट्स लाइक यू नो समथिंग डिफरेंट बट इट लुक्स वेरी ट्रेंडी टू. नेक्स्ट पीस जो मैंने लिया था, आई गॉट दिस फ्रॉम मीशो, इट्स अ सेट लाइक दिस एंड इसके साथ ये इयररिंग्स भी हैं. बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सेट है ये. ऑनेस्टली मुझे इस सेट से तो ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी निकलेगी. यू नो इसके ऊपर ये अच्छे से बीड्स लगी हुई हैं, फिर ये इसके ऊपर ये वर्क भी हुआ है. इसमें एक रेड कलर का वो था, स्टोन था, वो मेरे से खुद से निकल गया बिकॉज मैंने इसको गिरा दिया था. सो इट वॉज नॉट लाइक डिफेक्टेड पीस नहीं मिला था, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं उसको सुपर ग्लू के साथ जोड़ लूंगी दोबारा. बट इस तरह का एक स्टोन था विच वॉज माई फॉल्ट, मैंने गिरा दिया तो वो थोड़ा निकल गया. बट लुक एट द क्वालिटी, एंड इसका प्राइस 200 रुपीज के अंदर था एंड उसके कंपेरेटिवली द क्वालिटी द प्राइस इज वेरी वेरी नाइस. इस तरह का रॉयल ग्रीन कलर जो होता है ये इंडियन वेयर के साथ बहुत अच्छा लगता है. आप इसको सूट के साथ स्टाइल कर लो, चाहे आप साड़ी के साथ स्टाइल कर लो, बहुत अच्छा लगता है ये कलर. एंड मैं बहुत जल्दी इसको स्टाइल करके वीडियोस भी पोस्ट करूंगी, बट द क्वालिटी इज अमेजिंग. इस तरह का कुंदन का जो वर्क होता है ना, इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी. I'm going to style it a lot with my different outfits. So yeah, I'm so happy about it. So मेरे last जो दो pieces हैं ये मैंने Myntra से लिए थे and ये है by the brand Carrot Cart. First of all is this
पास्ता विच आई गॉट जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है. मुझे पास्ता जनरली एज अ ज्वेलरी पीस बहुत अच्छा लगता है, जस्ट लव इट. एंड मैं ना बहुत बार, इस बार मेरे पास सारी ज्वेलरी कलेक्शन थी, बड़े बड़े झुमके भी थे, सब था. आई जस्ट वॉन्टेड टू क्रिएट ब्राइडल लुक्स एंड मोर, एंड मैं थोड़ा पाकिस्तानी लुक्स भी स्टाइल करना चाहती थी. So I thought pasta is a must have for me. And uske baad bhi, you know, if there's a wedding function, wherever, whatever it is, I can style this very nicely. So the last jewelry piece which I have is again by Karat Kaat brand. It's this pearl necklace and uske saath ye pearl wale studs milte hain. I have seen Alia Bhatt wearing something similar. I feel like pearls na ek bahut hi, you know, royal look dete hain, and it's a must have. Koi bhi ladki ho jo apni jewelry collection build up kar rahi hai, jisko chahiye कि मेरे पास ऐसे पीसेज हों जो मैं मल्टीपल ओकेजन्स पे स्टाइल कर सकूं, आई फील लाइक मस्ट पर्ल जो है वो आपके लिए एक मस्ट हैव है, बिकॉज पर्ल्स बहुत ही रॉयल लुक देते हैं एंड यू कैन स्टाइल देम इन मल्टीपल वेज. साड़ी के साथ, सूट के साथ, अगर ब्राइडल फंक्शन है उसमें आप स्टाइल कर सकते हो. यू कैन स्टाइल देम इफ यू नो नॉर्मल फंक्शंस, कोई स्कूल पार्टी है, कॉलेज पार्टी है, उसमें स्टाइल कर सकते हो. सो यू कैन वेयर देम ऑन मल्टीपल ओकेजन्स एंड आई फील लाइक पर्ल्स आर वेरी वेरी गुड पीस इन योर कलेक्शन एंड आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे. अगर आपको इतनी डिटेल वाला बड़ा सा नहीं चाहिए नेक पीस, देन यू कैन ऑलवेज बाय इनर पीस जो सिंपल एक चेन हो और उसके साथ स्टड्स हो. अगर आपको इस सारी वीडियो में कोई एक ऐसी चीज चूज करनी जो आपको लेना चाहे, तो देन आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर दिस पर्ल पीस, बिकॉज ये किसी भी एज के आप हों उसके ऊपर अच्छा लगेगा एंड आप बहुत सारी वियर इसमें इससे निकाल सकते हैं, बहुत सारी वेज में स्टाइल कर सकते हैं. सो डेफिनेटली चेक दिस वन आउट. सो या दैट वॉज ऑल फॉर माई टूडेज वीडियो. उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इसमें से कोई भी आपको ज्वेलरी का पीस चाहिए हो, अगर आपको किसी की भी डिटेल चाहिए तो कॉमेंट डाउन बिलो एंड आपको मैं डेफिनेटली डिटेल्स दूंगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.